हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में हाइपरलिंक किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं। हाइपरलिंक का तात्पर्य है कि दो स्थानों का आपस में जुड़ाव। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो दिए गए वहाँ से स्थान पर हम तुरंत ही पहुँच जाते हैं, तो वो कहलाता है हाइपरलिंक। तो एमएस एक्सेल में हम किस प्रकार से हाइपरलिंक करें और टेक्स्ट बॉक्स किस प्रकार से इंसर्ट करते हैं, हेडर फुटर है वो कैसे लगाते हैं, वर्ड आर्ट, ऑब्जेक्ट, सिंबल, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम ध्यान से जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, या इंसर्ट टैब के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हमने पढ़ लिए थे पहले। आज मैं आपको अभी फिलहाल हाइपरलिंक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो हाइपरलिंक क्या है, तो यहाँ हम किसी दूसरे स्थान पर या दूसरी शीट का लिंक तैयार कर सकते हैं, किसी वेबसाइट का, ईमेल का लिंक तैयार कर सकते हैं और वो अपनी वर्कशीट में लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम सीधे ही उस वेब पेज पर या जिस स्थान पर हमने लिंक किया है उस स्थान पर सीधे ही डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस सेल पर हम हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं उस सेल को एक्टिव रखना है, उसके बाद हाइपरलिंक पर हमें क्लिक करना है। इंसर्ट हाइपरलिंक नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास लिंक टू और यहाँ ऑप्शन में चार दिखाई दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। किसी फाइल या वेब पेज का हमें लिंक करना है तो हम इस पर क्लिक करना है, और इसी डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें यदि लिंक करना है तो हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, और नए डॉक्यूमेंट से करना है तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, और किसी ईमेल एड्रेस पर करना है तो ईमेल एड्रेस पर क्लिक करके हम यहाँ करेंगे। तो मैं आप सब के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज पर यहाँ क्लिक करता हूँ सबसे ऊपर, और यहाँ आप देख सकते हैं यदि मान लो किसी बाहरी वेब पेज से लिंक करना है तो मैं यहाँ एड्रेस आप देख रहे हो एड्रेस, तो हमें एड्रेस टाइप करूँगा मुझे कौन सी वेब पेज से लिंक करना है। हम किसी भी वेबसाइट का लिंक यहाँ दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ www.google.com यहाँ लिख रहा हूँ, google.com। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो टेक्स्ट टू डिस्प्ले, हमको यहाँ सेल में क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा गो टू गूगल कि कैसे लिख देता हूँ, क्लिक हेयर टू गूगल। गूगल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो जो टेक्स्ट मैंने यहाँ डिस्प्ले के रूप में टाइप किया था वो हमें यहाँ लिखाया हुआ दिखाई दे रहा है, क्लिक हेयर टू गूगल, और ये आप देख सकते हो ब्लू कलर में हो चुका है और ये एक हाइपरलिंक बन चुका है। जो ही हम अपना माउस कर्सर इस पर लाते हैं तो ये आप देख सकते हो एक हाथ का निशान हमें दिखाई देता है, जिसका तात्पर्य है कि एक हाइपरलिंक बना हुआ है यहाँ पे। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये गूगल के साइट पे हमें ले जाएगा। जैसे मैंने यहाँ इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये मुझे, तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ गूगल की वेबसाइट पे हमें लेके आ गए हैं। तो इस प्रकार से मैंने गूगल का लिंक दिया था इसलिए डायरेक्ट गूगल पे आ चुका है। यानी हम किसी भी वेब पेज का पता दे सकते हैं और वहाँ उसे लिंक कर सकते हैं अपनी शीट पे, और जब भी हम शीट पे उस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें उस वेब पेज पे हम डायरेक्ट ही चले जाएंगे। इसके अलावा मैं फिर से यहाँ हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ किसी फाइल का या किसी भी फोल्डर का भी मैं यहाँ लिंक दे सकता हूँ। जैसे यहाँ एग्जिस्टिंग फाइल में करंट फोल्डर ले सकता हूँ या हमारा जो भी ब्राउज पेज है वो ले सकते हैं। तो मैं फोल्डर का भी चुनाव कर सकता हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट्स यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट है, और यहाँ मैं जिस भी फाइल से यहाँ इसको लिंक करना चाहूँ वो दे सकता हूँ। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ ये मेरी एक वर्ड की फाइल है इसका मैं यहाँ लिंक देना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं इसका जो टाइटल है वो यहाँ लिख सकता हूँ कि मुझे क्या इसमें लिखना होगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हो ये लिंक आ चुका है, और इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वर्ड की वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये अभी प्रोसेसिंग में और ये वर्ड की फाइल ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फाइल का लिंक कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में। तो ये तो था किसी दूरी बाहरी वेब पेज या बाहरी जो फाइल है उसी का लिंक। और यदि हम अपने ही इसी डॉक्यूमेंट में, जैसे फिलहाल हमारी जो वर्कशीट है रोहिला डाटा शीट नाम से ये फाइल है, इसी में एक स्थान से दूसरे स्थान का हमें लिंक करना हो तो उसके लिए हमें यहाँ दूसरा ऑप्शन है हमारे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन आ चुके हैं हमारे सेलेक्टेड प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट से हमें कौन कौन से जगह पर हम लिंक निर्माण कर सकते हैं, यदि हमने कोई निर्माण करेगा कोई एरिया का तो वो रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास आप देख सकते हो क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10 और क्लास शीट 10 और शीट 2 नाम से हमारे पास 5 शीट है, और इन शीट पे हम आपस में लिंक कर सकते हैं, एक सेल को दूसरी शीट से लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल यहाँ शीट 2 पे कार्य कर रहा हूँ
और मुझे क्लास 11 वाली सीट पे यहाँ जाना है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ से लिंक बना सकता हूँ और उस पर क्लिक करके मैं डायरेक्टली उस सीट पे चला जाऊँगा। जैसे मैं यहाँ क्लास 11 को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे क्लास 11 वाले पे और कौन सी सेल में जाना है, वहाँ A1 में जाना है या जो भी मैं सेल का एड्रेस दूंगा उसी एड्रेस पे मेरे को डायरेक्ट लेके चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ B5 दिया तो मुझे यहाँ क्लास 11 वाली सीट के B5 नंबर जो सेल एड्रेस है उस सेल पर मुझे डायरेक्ट ले जाएगा। ये फिलहाल टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मुझे कौन सी सीट टेक्स्ट क्या लिंक में है ना, क्या टेक्स्ट दिखाना है, तो मैं लिख देता हूँ गो टू सीट क्लास 11th, ये मैंने लिख दिया इसको प्रदर्शित करने के लिए। तो ये टेक्स्ट है वो सेल में हमारे प्रदर्शित होगा और हमें यहाँ उस लिंक पे ले जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो गो टू सीट क्लास 11th, ये हमारा लिंक तैयार हो चुका है। जो भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे क्लास 11th के उस सीट पे ले जाएगा। आप जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं क्लास 11th की सीट पे आ चुका हूँ और यहाँ B5 मैंने एड्रेस दिया था उस पे हमारा कर्सर आ चुका है। तो डायरेक्ट ही हमारी वर्कशीट में हम एक स्थान से एक सीट से दूसरी सीट में आ सकते हैं। ये मैंने दूसरी एक ही वर्कबुक में अलग अलग सीट का मैंने लिंक दिया, हम एक ही सीट के अंदर भी अलग अलग लिंक दे सकते हैं। जैसे मैं फिलहाल मेरा कर्सर F20 में है और मैं किसी दूसरे इसी सीट में किसी दूसरे सेल का रेफरेंस देके और उससे लिंक कर सकता हूँ। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इंसर्ट टाइप लिंक में जाएंगे, फिर यहाँ प्लेस इन इन दिस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो A1 लिखा हुआ है। इसी सीट में मैंने कोई सेल का यहाँ चयन नहीं किया है तो यही सीट मानी जाएगी और सीट 2। और यहाँ मुझे कौन सी सेल पर जाना है, जैसे मैं यहाँ जाना चाहता हूँ S5 पे जाना चाहता हूँ, मैंने S5 से यहाँ लिंक कर दिया है और यहाँ ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो सीट 2 में S5 नामक जो सेल है उसका लिंक तैयार हो चुका है। जो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसी सीट में जो S5 आप देख सकते हो S5 पे मैं आ गया हूँ डायरेक्ट क्लिक करते ही। तो इस प्रकार से इसी सीट में एक स्थान से दूसरे स्थान का भी हम लिंक निर्धारित कर सकते हैं और उस पर क्लिक करते ही डायरेक्टली उस सेल पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है हाइपरलिंक की, जो आवश्यक रूप से काम आती रहती है अधिकतर। तो हाइपरलिंक आपको समझ में आ गया होगा और हाइपरलिंक पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये दोनों ऑप्शन मैंने बता दिया है। किसी नए डॉक्यूमेंट का आप लिंक देना चाहो तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ नए डॉक्यूमेंट का आप जो भी नाम देना चाहो वो नाम दे सकते हो। उसके बाद जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, एक्सेल की एक नई सीट ओपन हो जाएगी। और इसके अलावा ईमेल एड्रेस का भी हम लिंक दे सकते हैं, हमें ईमेल एड्रेस का यहाँ एड्रेस लिखना होगा, जिस जो भी हमारा ईमेल एड्रेस है उससे भी लिंक कर सकते हैं। जो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ईमेल एड्रेस है उसका लिंक ओपन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स की, हम अपनी वर्कशीट में टेक्स्ट बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स पर, तो आप देख सकते हो जो ही मैं वर्कशीट में यहाँ ला रहा हूँ ये कर्सर को, तो एक ये तीर की आकृति का हो चुका है और जहाँ भी हमें टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण करना है उस स्थान पर इसको लाके और माउस से क्लिक करके यहाँ हम ड्रैग कर देंगे। तो जितनी भी साइज़ हमें आवश्यकता है उतना हम ड्रैग कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण हो चुका है, यहाँ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ अपनी फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज, तो वहाँ लगाने के लिए मैं यहाँ बॉक्स बना सकता हूँ कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। तो इसकी साइज़ भी हम यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये 8 साइजिंग हैंडल है, इसकी सहायता से जो साइज़ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वही ऑप्शन इसमें अंदर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद इसका जो रंग है और जो भी इसकी डिज़ाइन है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप के अंदर हमें क्या फिल करना है, कौन सा कलर फिल करना है, ये भी हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। और जो अक्षरों का रंग है उसको भी हम आसानी से यहाँ से हैंडल कर सकते हैं कि अक्षर है वो कौन से रंग में हमें दिखाई दे। इसको यहाँ माउस से ड्रैग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हम आसानी से मूव कर सकते हैं। फिर आगे आपको बताता हूँ मैं यहाँ क्लास 11 की जो सीट है उस पर मैं आपको ले आता हूँ। यहाँ मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बताऊँगा हेडर एंड फुटर के बारे में। हेडर फुटर क्या है कि प्रत्येक पेज के प्रारंभ में जो सूचना आती है वो हेडर कहलाती है और प्रत्येक पेज के अंत में जो सूचना आती है वो कहलाती है फुटर। तो सबसे ऊपर जो सूचना होती है वो हेडर होती है और सबसे नीचे होती है पेज में होती है फुटर। कई बार आप अपने वर्कशीट में अपनी कंपनी का नाम, स्कूल का नाम या पेज नंबर या डॉक्यूमेंट का नाम ऐसा दिखाना चाहते हैं तो हम हेडर फुटर के द्वारा वो सूचनाएँ दिखा सकते हैं। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक पेज के अंत में पेज नंबर प्रदर्शित हो,
पेज नंबर 1, 2, 3, 4, तो हमारे वर्कशीट में जितने भी पेज होंगे उन पे ऑटोमेटिक हमारे ये नंबर लग जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हेडर फुटर पे मैंने क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ ये फिलहाल हेडर है, तो हेडर पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे पेज के प्रारंभ में, प्रत्येक पेज के प्रारंभ में क्या हेडर लगाना है वो मैं यहाँ इंसर्ट कर लिख सकता हूँ। जो भी सूचना मैं यहाँ लिखूँगा वो प्रत्येक पेज के टॉप में दिखाई देगी। यहाँ मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है पीके रॉयल स्टडी पॉइंट, तो आप देख सकते हो प्रत्येक पेज के ऊपर ये दिखाई देगी, मैंने यहाँ पे लिखा और जितने भी पेज है सब में यहाँ ऊपर आपको दिखाई देगी। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करता हूँ तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ आपको पीके रॉयल स्टडी पॉइंट दिखाई दे रहा है। ये पहला पेज है, आप देख सकते हो इस वर्कशीट में 5 है पेज और मैं अभी पहले पेज पे हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, इस पे भी आपको दिखाई दे रहा है, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, पांचवे पेज पे, जितने भी पेज है सभी पे ये सूचना आपको दिखाई दे रही है, हेडर प्रत्येक पेज की टॉप पर ये आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम हेडर में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डेट है, टाइम है आदि सूचनाएं भी लगा सकते हैं, अपना लोगो है कंपनी का ये भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे पेज नंबर है, यदि मैं यहाँ पेज नंबर लगा दूंगा तो हमें पेज नंबर दिखाई देंगे, नंबर ऑफ पेजेस दिखा सकते हैं, करंट डेट दिखा सकते हैं, करंट टाइम दिखा सकते हैं और फाइल का पाथ दिखा सकते हैं कौन सी जगह है। तो ये सारी सूचना मैं यहाँ आसानी से दिखा सकता हूँ। इसमें फाइल पाथ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल कौन सी जगह सेव है वो पाथ मेरे को पूरा यहाँ दिखाई देगा। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो सी में, डॉक्यूमेंट्स में, प्रमोद कुमार में और रोहिला डाटा शीट नाम से है, ये हमारा पूरा पाथ इसमें दिखाई देगा, तो हम ये भी सूचना लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ हम क्लिक करते हैं और फिर यहाँ आप देख सकते हो फुटर भी दिखाई दे रहा है। फुटर का अर्थ है पेज के अंत में, यदि हम पेज के अंत में कोई सूचना दिखाना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी सूचना हम लगा सकते हैं। जैसे मैं पेज नंबर लगाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पेज 1 पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पेज 1, पेज 2, पेज 3 सारे लग चुके हैं। प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हो, इसको चेक कर सकते हो। फुटर जो सूचना है वो पेज के अंत में दिखाई देगी नीचे सबसे, तो यहाँ नीचे आप दिखाई दे रहे पेज 1 लिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं तो पेज 2 आ रहा है, नेक्स्ट पे पेज 3, पेज 4, पेज 5। तो इस प्रकार से आसानी से हम ये सूचनाएं लगा सकते हैं, तो इसको कहते हैं हेडर और फुटर। प्रत्येक पेज के ऊपर लगाएंगे वो हेडर कहलाएगी और नीचे यदि लगाएंगे तो फुटर कहलाएगी। चाहे हेडर हो या फुटर हो हम इन सभी में ये सूचनाएं लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हम करंट डेट लगा सकते हैं, करंट टाइम लगा सकते हैं, फाइल का पाथ लगा सकते हैं, फाइल का नाम भी लगा सकते हैं। यदि जैसे मैंने जिस नाम से फाइल को सेव कर रखा है वो नाम है वो हमें सारे यहाँ दिखाई देगा। मैंने यहाँ फाइल नेम पे क्लिक किया तो आप देखते हो यहाँ @ फाइल आ चुका है और यहाँ ऑटोमेटिकली फाइल का नाम यहाँ जिस नाम से मैंने सेव कर रखा है रोहिला डाटा सेट वो पेज फाइल का नाम प्रत्येक पेज के अंत में भी अब आपको यहाँ दिखाई देगा। इस प्रकार से जो भी सूचना हम लगाना चाहें वो सूचना हम आसानी से लगा सकते हैं। फाइल का नाम, शीट नेम, पिक्चर जो भी हम लगाना चाहें, कोई फोटो भी लगाना चाहें, कोई लोगो अपना हो कंपनी का तो वो भी लगा सकते हैं। या पिक्चर पे क्लिक करके और यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट जहाँ भी वो सेव है लोगो उसको हम क्लिक कर लेंगे और फिर वो लोगो हमारा यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। जिसमें मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये आप देख सकते हो ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वो लोगो हमें दिखाई देगा। उसकी साइज़ हमें सेट करनी पड़ेगी हालांकि, तो हेडर फुटर लगा सकते हैं। इसके अलावा आगे मैं आपको बता देता हूँ वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, अक्षरों को लिखने की स्टाइल है। इसमें हम जो भी अक्षर जिस भी फॉन्ट में लिखना चाहें ये पहले से डिफाइन है, पहले से इसका कलर है, जिस भी कलर में हम लिखना चाहें उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये आप देख सकते हो जो भी हम टाइप करेंगे वो आपको यहाँ उस वर्ड आर्ट में, वर्ड आर्ट एक प्रकार से जिसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड है, हम जिस भी स्टाइल में हम लिखना चाहें उस वर्ड आर्ट को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर टेक्स्ट को टाइप कर देंगे। इसको हम वही मूव भी कर सकते हैं, जो भी हमने वर्ड आर्ट लिखी है आकृति उसको हम यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं और उनका जो लिखने की स्टाइल वो फिर से चेंज भी कर सकते हैं और उनका जो शेप है, उनका बॉर्डर है, उनके अंदर फिल करने का जो कलर है ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मेट टैब के द्वारा। फिर आगे हम चलते हैं फिर इंसर्ट टैब में, वर्ड आर्ट के बाद में सिग्नेचर लाइन। इसके द्वारा हम अपने डिजिटल सिग्नेचर है वर्कशीट में लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमें हमारा जो सिस्टम है वो नेट से यानी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो सिग्नेचर लाइन पर यहाँ एड सिग्नेचर सर्विस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा नेट है, नेट से कनेक्ट होना चाहिए और ये ओपन हो जाएगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बाद में बताऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास यहाँ डिजिटल आईडी हो और डिजिटल सिग्नेचर है वो सर्विस से पहले से इनेबल होनी चाहिए और अलग से भी वीडियो बना के इसमें बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अपने वर्कशीट में आप कभी भी अपने डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। अगला इसमें इंसर्ट करने का है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसी भी फाइल को यहाँ
वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, पावर पॉइंट की फाइल हो, या फिर से एक्सेल की फाइल हो, या पीडीएफ फाइल हो, किसी को भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल मैं यहाँ एक पीडीएफ फाइल को करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो भी फाइल में ऐड करना चाहता हूँ वो फाइल में यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ ये फाइल सेलेक्ट कर ली और उसके बाद में ओपन पे क्लिक करता हूँ तो फाइल है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप देख सकते हो ये फाइल ओपन हो चुकी है हमारे वर्कशीट में, ये पीडीएफ फाइल यहाँ ओपन हो चुकी है। इसी प्रकार से हमें चाहे पावर पॉइंट की फाइल या एक्सेल की फाइल या वर्ड की फाइल जो भी हमें चाहिए वो यहाँ आप देख सकते हो, सारे यहाँ ऑप्शन हमें मिलेंगे। और जैसे मैं वर्ड की फाइल ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ ओके करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स फिर से खुलेगा, और हमें वर्ड की कौन सी फाइल ओपन करनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो या फिर ये पूरी वर्ड की फाइल, यहाँ जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है सॉफ्टवेयर, वो पूरा यहाँ ओपन हो चुका है, और हम यहाँ वर्ड की तरह इसमें टाइप कर सकते हैं, और पूरा उसमें हमारे एक्सेल की शीट में हम यहाँ वर्ड फाइल को यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने इंसर्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑप्शन आपको बता दूँ, सिंबल। हमारी एक्सेल शीट में जो ऐसे सिंबल्स जो हमारी कीबोर्ड में नहीं है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो सिंबल ऑप्शन है, और यहाँ जो भी सिंबल हम यहाँ इंसर्ट करना चाहें वो इंसर्ट कर सकते हैं। कई फंक्शन या कैरेक्टर से कह सकते हैं हम कि हमारे कीबोर्ड में ओपन नहीं होते हैं, तो उसको हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ओमेगा का साइन है, यहाँ मैं इंसर्ट किया तो आप देख सकते हो यहाँ ओमेगा का साइन यहाँ इंसर्ट हो चुका है। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ हमारे पास उपलब्ध है सिंबल में जाके, और यहाँ से हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जिस भी फॉन्ट की हमें सिंबल चाहिए उस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, उस फॉन्ट के सिंबल हमें आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम आसानी से सिंबल भी अपनी वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।